हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल चटकारा चटपट पर। अगर आप घर पर पिज़्ज़ा बनाते हैं तो अब से पिज़्ज़ा सॉस भी घर पर ही बनाइए, क्योंकि ये घर पर आसानी से बनने के साथ साथ ही मार्केट से ज़्यादा टेस्टी होता है और साथ ही प्रिजर्वेटिव फ्री होता है, यानी कि बहुत ही सेहतमंद होता है और इसे आप 15 से 20 दिनों तक आसानी से रख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को इस तरह प्रेस करके ऑल पे जाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो में कमेंट और इसे शेयर जरूर करें। तो चलिए पिज़्ज़ा सॉस बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लेना है एक बर्तन और उसमें गर्म करना है लगभग 1.5 से 2 ग्लास पानी। और यहाँ पर मैंने 6 टमाटर लिए हैं और टमाटर को लेकर के इसके इस तरह आँख वाले भाग के जस्ट पीछे हमें क्रॉस का निशान बनाना है या फिर आप प्लस का निशान बना के टमाटर को कट कर लें। और सारे टमाटर को यहाँ पर इस तरीके से रख के ढक्कन से ढक के 2 मिनट के लिए हमें पकाना है। टमाटर को यहाँ मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकाना है। 2 मिनट हो चुका है तो 2 मिनट के बाद हमें गैस के फ्लेम को बंद करके और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब टमाटर ठंडे हो जाएंगे तब अब हमें इसके छिलके को निकाल लेना है। 2 मिनट हमने इसे उबाला था, इस वजह से इसके छिलके जो हैं वो बहुत ही आसानी के साथ निकल जाते हैं। अब क्या करना है कि एक चाकू लेना है और चाकू की मदद से हमें इसे अपने मनचाहे आकार में रफली कट कर लेना है, क्योंकि लास्ट में हमें सारे टमाटर को मिक्सी में हल्का सा दरदरा पीस लेना है, तो इस वजह से हम इसे किसी भी आकार में कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से टमाटर के आँख को निकाल करके और इस तरीके से हमें इसे कट कर लेना है। और सेम प्रोसेस से हम सारे टमाटर को उसके छिलके को पहले निकालेंगे और उसके बाद उसे रफली कट कर लेंगे। जब सारे टमाटर कट हो जाएंगे तो एक मिक्सर जार लेंगे हम और उसमें इसे दरदरा पीसेंगे, यानी कि बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार नहीं करना है हमें। और अब एक कढ़ाई गर्म करना है और उसमें डालना है 3 टेबलस्पून रिफाइन ऑयल। अब यहाँ पर मैंने 10 कलियाँ लहसुन की कद्दूकस कर ली है और इसे गर्म तेल में डाल देना है। और गर्म तेल में डालने के बाद इसे तब तक चलाना है जब तक कि ये लहसुन जो है अपना कलर चेंज ना कर ले। और लहसुन जब कलर चेंज कर लेगा तो सीम कर लेना है हमें गैस के फ्लेम को और उसमें डालना है 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स या फिर ऑर्गेनो और 1 टीस्पून डालना है यहाँ पर चिली फ्लेक्स। और यहाँ पर गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल कम होगा ताकि ये दोनों चीज़ जले नहीं। अब यहाँ पर हम पेस्ट बनाया हुआ टमाटर डालेंगे और ये टमाटर का जो मोटा मोटा हिस्सा रह गया है इसे हम चलाते हुए छोलनी की सहायता से छोटा छोटा टुकड़ा कर देंगे इसका, क्योंकि टमाटर का फाइन पेस्ट हमें नहीं चाहिए था, क्रिस्टल वाला पेस्ट चाहिए था। तो अब यहाँ पे गैस के फ्लेम को हम तेज कर लेंगे और इसे इस तरीके से छोलनी की सहायता से बड़े बड़े पीसेस को छोटे छोटे आकार में करते हुए हम इसे चलाएँगे। और इस चटनी को बनने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लग जाता है। और यहाँ तेल अधिक डालने का रीज़न यही था कि ये जो हमारा चटनी है वो लगभग 15 से 20 दिन और मैक्सिमम 1 महीने तक आराम से चले। और ये चटनी जो है वो मार्केट के चटनी से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। देखिए इस तरीके से हम टमाटर के बड़े बड़े जो पार्ट हैं उसको छोटे छोटे कर लेंगे। और अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून डालेंगे यहाँ पर चीनी। दोनों को अच्छे तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पे गैस के फ्लेम को अब हम मीडियम पे रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही इसे कुछ देर हम पकने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर 1/2 टीस्पून डालेंगे हम ब्लैक पेपर पाउडर। अब सभी को अच्छे तरीके से मिला लेंगे और लगभग 5 से 7 मिनट फिर से इसे हम पकाएंगे। बीच बीच में इसे चलाना बहुत ज़रूरी है ताकि ये सॉस जो है हमारा वो नीचे से पकड़े नहीं। और अब ये सॉस बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है, देखने से ही लग रहा है कि ये जो सॉस है वो बहुत ही टेस्टी है। तो अब यहाँ पर हमें डालना है 1/2 टेबल स्पून विनेगर। विनेगर डालना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि विनेगर सॉस में डालने से इसका टेस्ट जो है वो तो अच्छा हो ही जाता है, साथ में ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। तो अब यहाँ पर डालना है 1 टेबल स्पून टमाटो सॉस। टमाटो सॉस इसलिए डालना है क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो मार्केट वाले टेस्ट से भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे ना भी डालें। अब यहाँ पर हम इसे अच्छे तरीके से ठंडा कर लेंगे और एक एयर टाइट कंटेनर में या शीशे के बर्तन में इसे स्टोर करके रखेंगे जिससे कि ये ज़्यादा दिन तक चले। ये तैयार हो चुका है पिज़्ज़ा सॉस, तो इसे हम डालेंगे यहाँ पर जैम वाले बॉटल में।
इस सॉस को आप पिज़्ज़ा, पराठा और ब्रेड किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, टेक केयर एंड बाय बाय।